नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आज के onlyhybrid.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों, आज हम दोबारा आपके सामने एक नया विषय लेकर के हाजिर हुए हैं। आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बार आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियोस का पता लगता रहे, और दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रगण भी, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी इन वीडियो से लाभान्वित हो सके, इसका लाभ ले सके। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप आईब्रोज के बाल झड़ने से परेशान हैं या आईब्रोज के बाल हल्के हैं और आप इनको घना करना चाहते हैं, या अत्यधिक थ्रेडिंग वगैरह की वजह से ये हल्के हो गए हैं, आप इनको घना करना चाहते हैं, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए है। हमारे साथ बने रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईब्रोज बालों को अगर हल्के पड़ गए हैं तो उनको कैसे आप घना कर सकते हैं। आज हम आपको एक घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे आईब्रोज और आईलैशेस के बाल घने हो जाएंगे और आपको सुंदर चेहरे पर और चार चांद लग जाएंगे। यह प्रयोग 100% नेचुरल है, तो इसका आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपको किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें सामग्री यूज होगी वो इस तरह से है: 15 बूंदें लहसुन का तेल और 30 ml कैस्टर ऑयल और 20 ml पैथेनॉल। यह एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इसकी विधि इस्तेमाल की इस तरह से है, ये जो सामग्री आपको बताई गई इसको एक साथ मिक्स करें और आपका प्रयोग तैयार है। इस मिश्रण को अपने आईब्रोज और आईलैशेस पे लगाएं। अच्छे नतीजों के लिए इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पहले लगाएं और नतीजे निश्चित ही चौंकाने वाले होने चाहिए। तो दोस्तों आप ये करके देखिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स हैं, सजेशन हैं वो हमारे साथ शेयर करें।